का फैंस बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में गणेश चतुर्थी के मौके पर फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जो कुछ लोगों को काफी पसंद आया था। फिल्म में अक्षय विलन के रोल में नजर आएंगे, तो वहीं रजनीकांत रोबोट के रोल में। जहां एक तरफ कुछ लोगों ने 2.0 के टीजर की तारीफ की थी, तो वहीं कुछ ने इस फिल्म के VFX को बकवास बताया था। इतना ही नहीं, टीजर में भी सिर्फ अक्षय दो ही बार दिखाई दिए थे। ऐसे में हर किसी को इंतजार है फिल्म के ट्रेलर का। वहीं अब लीजिए, आपका ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2.0 का ट्रेलर दिवाली के मौके पर रिलीज होगा। लगता है अक्षय और रजनीकांत दिवाली के मौके पर इसलिए ट्रेलर रिलीज करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इस दिन आमिर की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी रिलीज होने वाली है। कहीं ना कहीं ऐसा करके अक्षय आमिर की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की क्रेज को फीका करना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि 2.0 का ट्रेलर लॉन्च चेन्नई में रखा जाएगा और इस इवेंट पर शो की पूरी स्टार कास्ट और क्रू की टीम भी शामिल होगी। बता दें कि बॉलीवुड के इतिहास में 2.0 को सबसे महंगी फिल्म कहा जा रहा है। फिल्म का बजट 550 करोड़ है। वेल, देखना तो अब यह दिलचस्प रहेगा कि दिवाली के मौके पर 2.0 का ट्रेलर धमाल मचाने में कामयाब हो पाता है या नहीं। वैसे आप 2.0 को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।